हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो चैनल और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दिमाग को हिला देने वाले कुछ रोचक तथ्य। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है एक सामान्य मनुष्य के दिमाग में इतनी ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा से एक 40 वाट का बल्ब 24 घंटे तक जलाया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि एक नॉर्मल इंसान, आप और हम, अगर जागते हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में इतनी एनर्जी होती है कि उस एनर्जी से एक 40 वाट के बल्ब को 24 घंटे तक जलाया जा सकता है। और ये दूसरा देखते हैं, दुनिया भर में हर साल शार्कों के हमलों से इतने लोग नहीं मरते हैं जितने लोग सर पर नारियल गिरने से मर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, यानी कि समुद्र में शार्कों के हमले से उतने लोग नहीं मरते हैं जितना लोग रास्तों पर टहलते हुए उनके सरों पर नारियल गिर जाता है, उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। जब भी आप किसी को अपने सपने में देखते हैं तो उस व्यक्ति को या तो आपने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे कि आपने उसे किसी न्यूज़ में देखा होगा, पेपर में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, या फिर कभी बाज़ार में देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे जाने या ना जाने, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके शक्ल को आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, तभी आप उसको सपने में देख सकते हैं। जिस शक्ल को, जिस चेहरे को आपने कभी देखा नहीं है, उसे आप सपने में भी नहीं देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़ेदार जानकारी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहले कैमरे से फोटो खींचने के लिए 8 घंटे तक इंसान को कैमरे के सामने बैठना पड़ता। सोचिए कितना मुश्किल काम था किसी कैमरे से फोटो खींचना उस जमाने में जब कैमरा इजाद हुआ था। यानी कि एक फ़ोटो खींचने और खिंचाने के लिए बंदे को 8 घंटे तक कैमरे के आगे बैठना पड़ता था। सोचिए, दुनिया की सबसे पहली कार दुर्घटना जो है साल 1769 में हुई थी, और मज़े की बात यह है कि उस कार को आज भी पेरिस में संभाल के रखा गया है सिर्फ इस यादगार के लिए कि ये वो पहली कार है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.2 वर्ग मील है, और इसकी आबादी की बात की जाए तो इसकी आबादी लगभग 770 है, और इसमें कोई भी इसका परमानेंट नागरिक भी नहीं है। वेटिकन सिटी को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि वेटिकन सिटी समंदर के अंदर बसा हुआ एक शहर है, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जहाँ पे कारें नहीं चलती हैं, वहाँ पे सड़कों की जगह नहरें हैं और नहरों में नाव चलती है। और ये वेटिकन सिटी दुनिया में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा शहरों में से एक है, हज़ारों और लाखों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक घूमने जाते हैं। एक ऑस्टन लेड पेंसिल, यानी जो हमारे घर में बच्चे और हम लोग यूज़ करते हैं जो पेंसिल कागज़ पे लिखने के लिए, अगर उससे एक लंबी लाइन खींची जाए तो वो 35 किलोमीटर लंबी होगी, और अगर उससे अंग्रेजी के शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा तो कम से कम 50,000 शब्द एक पेंसिल से आप लिख सकते हैं। यानी कि एक लेड पेंसिल से आप 50,000 के अंग्रेजी के शब्द लिख सकते हैं, या फिर 35 किलोमीटर लंबी आप एक लाइन खींच सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी के जो फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनकी कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगा। और ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि अमेरिका जैसे शहर में होके एक ऐसी गाड़ी हमेशा चलती रही जिसके ऊपर कोई भी नंबर प्लेट नहीं था। ये वही एप्पल कंपनी है जिसके मोबाइल जब लोगों के हाथ में आते हैं तो चालें बदल जाती हैं लोगों की। 1386 ईस्वी में फ्रांस में लोगों द्वारा एक शूअर को एक बच्चे के कत्ल के दोष में फांसी पर लटका दिया गया है। काफ़ी ये अजीब सी बात है कि दुनिया में सबसे पहली बार, ये प्रमाणित है कि दुनिया में सबसे पहली बार किसी इंसानी कत्ल के लिए किसी जानवर को फांसी पर लटकाया गया था, और ये हुआ था फ्रांस में, जहाँ पे एक बच्चे के कत्ल के जुर्म में एक शूअर को फांसी पर लटका दिया गया था। अगर आप एक बिच्छू पर थोड़ी सी मात्रा में शराब डाल दें तो वो पागल हो जाएगा, यानी उसके अंदर बिल्कुल बेचैनी आ जाएगी और वो खुद को ही डंक मार लेगा और खुद के जहर से उस बिच्छू की मौत हो जाएगी। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अच्छे अच्छे रोचक तथ्य के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।